नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, लाहौर 1947 के बारे में आज का वीडियो है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दूं, केवल 70 दिनों के शूटिंग शेड्यूल में फिल्म को कंप्लीट कर लिया गया। 15 अगस्त को फिल्म कंप्लीट हो गई है। ये ऑफिशियल रिपोर्ट है। पोस्ट प्रोडक्शन में फिल्म जा चुकी है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक इसका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ रहा है। मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि कोई पोस्टर जारी कर देते, कुछ और छोटा मोटा जानकारी दे देते, अच्छा रहता। संजीव सर के प्रशंसक भी खुश हो जाते, लेकिन नहीं दी। हाँ, ये पास में कुछ आज कलश यात्रा है, जिसका कुछ म्यूजिक, कुछ गाने, भजन आपको भी सुनाई दे रहे होंगे। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अच्छी बात है। भगवान की पूजा पाठ हो रही है, भगवान के भजन चल रहे हैं, कलश यात्रा निकल रही है, इससे बड़ी खुशी क्या बात होगी। वीडियो बनाना मजबूरी है, तो बना रहा हूँ मैं। कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ आपको। तो दोस्तों, जो लाहौर 1947 है, 26 जनवरी को रिलीज हो रही है नेक्स्ट ईयर। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि आमिर खान फिल्म के प्रोड्यूसर है, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले। मतलब कि उनकी जितनी भी फिल्में आती है वो करीब करीब पोस्टपोन हो जाती है। कई बार पोस्टपोन होने के बाद में रिलीज होती है। सितारे जमीन पर भी अभी जो उनकी 25 दिसंबर को आ रही है, उसके बारे में भी पहले कई खबरें आई थी। इसके पहले लाल सिंह चड्ढा के समय भी आपने देखा होगा। तो अब कहा जा रहा है कि लाहौर 1947 भी पोस्टपोन हो सकती है, क्योंकि कोई अपडेट नहीं आ रहा है। तो ये कोई कारण नहीं होता मेरे हिसाब से, क्योंकि कई बार अपडेट देने में देरी हो जाती है, लेकिन फिल्म कंप्लीट हो चुकी है। सही समय पे कंप्लीट हो चुकी है। फिल्म अगस्त में कंप्लीट हो चुकी है, इसका मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, मतलब 5 महीने इनके पास आराम से पोस्ट प्रोडक्शन का सारा डबिंग वगैरह जो भी काम है, VFX वगैरह सारा किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से टाइम पे ही रिलीज होगी, इससे बेहतर इसके पास टाइम नहीं है 26 जनवरी के अलावा। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि संजय देओल सर के साथ आमिर खान चीटिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, उनको धोखा देंगे। कुछ स्टोरी इस तरह की होगी जो उनकी इमेज के अगेंस्ट होगी। और मतलब ये असगर वजाहत के उपन्यास, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमे नहीं, उस पर आधारित है। तो उसमें संजय देओल सर का एक पाकिस्तानी का रोल वो प्ले कर रहे हैं, एक पाकिस्तानी नेशनलिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, एक मुस्लिम पाकिस्तानी का रोल प्ले कर रहे हैं, एक मुस्लिम हिंदुस्तानी का रोल प्ले कर रहे हैं जो पाकिस्तान जाता है। कुछ इस तरह की अफवाह मीडिया में चल रही है कि इस तरह, तो वो संजय देओल सर की इमेज के अगेंस्ट होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि संजय देओल सर ऐसी फिल्म साइन करेंगे जो उनकी इमेज को नुकसान पहुँचाए, क्योंकि उन्होंने स्क्रिप्ट अच्छी तरह फटी होगी और उनको पता है कि दर्शक उनसे क्या चाहते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो इस तरह के डायलॉग्स उनसे चाहते हैं, तो वो वैसी ही स्क्रिप्ट पर काम करेंगे जो उनके लिए, जो उनको शूट करे, जो उनके लिए मतलब एक मन मुआफिक हो, ऐसी स्क्रिप्ट करेंगे वो। तो बिलीव कीजिएगा, संजय देओल सर का रोल मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा एक रोल होगा, बहुत ज़बरदस्त रोल होगा, और जो उसकी इमेज को शूट करता है, और ज़बरदस्त डायलॉग्स होंगे, और हिंदुस्तान से प्यार करने वाले, अपने देश से प्यार करने वाले व्यक्ति की उनकी एक छवि होगी, एक उनका रोल होगा। चाहे किसी भी धर्म का पर्सन उनको दिखाया जाए, किसी भी धर्म का व्यक्ति उनको दिखाया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उनकी इमेज देशभक्ति से परिपूर्ण, देश से प्रेम करने वाले व्यक्ति की ही होगी। तो अब इसका टीजर कब आता है देखते हैं। पृथ्वी जिंदा है, साथ में अभिमन्यु सिंह है, और दोस्तों यहाँ पे मिथुन चक्रवर्ती का भी एक कैमियो है, करण देओल है, बहुत बड़ी स्टार गेस्ट आमिर खान का भी कैमियो है। तो ये मुझे नहीं लगता है कोई चीटिंग उनके साथ होगी, और होगी तो फिर पता चल ही जाएगा जब फिल्म रिलीज होगी तब, क्या उनके साथ कोई बॉलीवुड षडयंत्र कर रहा है या कोई चालबाजी तो नहीं है बॉलीवुड की। तो देखते हैं। और आमिर खान ने अगर अच्छी फिल्म बना दी संजय देओल को लेकर के, तो फिर मान लीजिए कि उनकी भी इमेज बनेगी है। और कई उन्होंने जो पिछली फिल्में बनाई है, जिसमें सनातन का अपमान किया गया है, शायद कुछ हद तक उनकी इमेज अच्छी बने, मैं सोचता हूँ ऐसा। टीजर जल्दी आना चाहिए दोस्तों, जल्दी आना चाहिए टीजर या कुछ पोस्टर अपडेट, आते ही मैं आपको देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जैसे ही काम जो